आज हम बनाएंगे आलू गोभी। और क्योंकि मौसम जो है वो सावन का है, तो गोभी आजकल कड़वी होती है या उसमें सुंडियां सी आ जाती हैं, तो उसको बेहतरीन बनाने के लिए क्या तरीका है? और एक सादा सी डिश को आप एक बेहतरीन तरीके से उसकी कटिंग से दिलकश कैसे बना सकते हैं, ये हम आपको आज बताते हैं। जी पहले इनके स्लाइस बना लें, पहले इनके स्लाइस बना लें। इनको आपने ट्राई एंगल में काटना है, यहाँ से ऐसे। ये बिल्कुल इस साइज में आ जाएंगे, ये देखिए, ये आपकी बेहतरीन एक सादा सी डिश जो है वो बेहतरीन कटिंग में आ जाएगी। ये आपने पानी में रखनी है क्योंकि बॉयल आलू जो है ना, पोटैटो जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए इनको फौरन पानी के अंदर रखना है आपने। ये बिल्कुल ये कटिंग आनी चाहिए, इसके ये चीज होनी चाहिए। देखिए इनको आपने इसी तरह इनको काटना है, कोई चीज भी आपकी जाया नहीं होगी। सिर्फ आपने छुरी को थोड़ा टर्न करना है तो आपकी कटिंग बेहतरीन आएगी। अच्छा जी, ये आपने अदरक लेना है, इसके 1, 2 और 3, ये 3 पीस लेने हैं अदरक जिंजर, और ये आपका गार्लिक होगा, इनका आपने पेस्ट बनाना है। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ है, कोता है जो है उसको आपने अपना डालना है ना पेस्ट बना के, तो इसको लहसुन जो होता है इसको आप चॉप करके डालेंगे तो ये बहुत बेहतरीन जो है ना वो टेस्ट देता है। इसको चॉप करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आपने छुरी यहाँ पे रखनी है और इसको ज़ोर से यहाँ से दबा देना, ये छुरी के साथ आपने इसको चॉप कर लेना, ये आपका बिल्कुल फाइन चॉप हो जाएगा छुरी के साथ। छुरी आपके पास बेहतरीन होनी चाहिए। ये इसका चॉप करने का तरीका है जी, इसको आपने बेहतरीन फाइन चॉप कर लेना। इसी तरह एग फ्राइड जो राइस होते हैं, एग फ्राइड का तरीका इंशाल्लाह ताला मैं आने वाले दिनों में आपको शेयर करूँगा। एग फ्राइड जो होते हैं ये हम जो रेस्टोरेंट्स में बनाते हैं उसी तरह के आपके घर में बनेंगे और वही टेस्ट आएगा। उसी में ये जो होता है ना अदरक लहसुन, ये चॉप करके डालेंगे तो वो ज़्यादा टेस्ट देता है और वो हल्का सा क्रंच हो जाता है, वो छोटे छोटे दाने जो है ना वो खाने के बाइट के साथ आते हैं तो वो ज़्यादा टेस्ट देते हैं।
ये देखते हैं, ये हमारे बिल्कुल फाइन चॉप हो गया। ये लहसुन है, इसी तरह हमने अदरक चॉप करना है। अदरक आपका चॉप होगा, ग्रीन चिली आपकी पेस्ट होगी, ये इसमें ये तकरीबन आधा केजी पोटैटो हैं और हाफ केजी ही आपके वो हैं गोभी होगी, और उसमें ये तीन मिर्चें, आपका ये लहसुन और ये आपका अदरक, ये तीनों चीज़ें इतनी बहुत काफ़ी हैं। जी ये हमारा पानी बॉयल हो रहा है और इसके अंदर हमने गोभी को डालना है और हल्का सा ब्लांच करना है, जिस तरह आप फ्राइज़ बनाते हुए, फ्रेंच फ्राइज़ जो होते हैं ना, जो रेस्टोरेंट्स के अंदर बनते हैं, फ्राइज़ को आप हल्का सा ब्लांच करते हैं और वो फ्राइज़ आपके क्रंची रहते हैं। इसी तरह ये इसकी गोभी की एक तो स्मेल ख़त्म हो जाएगी, अगर उसके अंदर कोई कीड़ा होगा, कोई सुंडी होगी, तो वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। आपकी गोभी जो है, आलू गोभी बिल्कुल टेस्टी बनेंगी इंशाल्लाह ताला। अभी हम बना रहे हैं, देखते हैं, आपको बताते हैं। जी ये हमारी गोभी है, इसको ये बिल्कुल एक मिनट के लिए कम से कम फुल पानी बॉयल होगा और एक से डेढ़ मिनट के लिए हमने इसको बॉयल करना है। ताकि इसके ऊपर आजकल जो स्प्रे होती है वो, या कोई और कोई केमिकल इसके ऊपर, कोई मिट्टी गर्द वो लगी हो, तो ये चीज़ साफ़ हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन इसको तब डालना जब बिल्कुल पानी फुल बॉयल हो और एक से डेढ़ मिनट के लिए इसको ब्लांच करना है आपने। ये आपने इसको हिलाना है ताकि ये देखें, अब इसका पानी जो है ना वो कलर चेंज हो गया है पानी का, इसका मतलब कि जो इसके ऊपर चीज़ थी वो पानी में चली गई हुई है। आपकी जो गोभी होगी उसका टेस्ट और जो चीज़ भी होगी, इसकी कटिंग एक आपको बता दूं कि वो नॉर्मल कटिंग है, सिर्फ आपने पोटैटो की कटिंग बदलनी है तो आपका जो है डिश का डिज़ाइन और डिश की लुक बहुत चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। एक से डेढ़ मिनट हो गया है और इसको अब हम स्ट्रेन करेंगे और डिश बनाना शुरू करेंगे। जी ये देखें, ये हमने स्ट्रेन कर लिया इसको, ये बिल्कुल सख्त है, ये बिल्कुल नरम नहीं होगी है। आपने इसको ये ना हो कि वो अंदर ही गल जाए आपके, बाद में वो बिल्कुल कीमा बन जाए आपकी डिश का। इसको आपने हल्का सा ब्लांच करना है, ये देखें ये बिल्कुल सख्त है अभी, और इसके ऊपर से जो चीज़ थी वो भी उतर गई हुई है। जी ये हमने ऑयल डाल लिया इसमें, ये हम ऑयल में पकाएंगे इंशाल्लाह। ये ऑयल को थोड़ा सा पतले में देना ताकि जो कढ़ाई के अंदर या चम्मच के साथ कोई ऑयल लगा हो, पानी लगा होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने इसमें प्याज डालना है। ये अब बिल्कुल उसकी आवाज़ आना कम हो गई है, इसका मतलब है कि ऑयल हीट अप हो गया। अब इसको हमने प्याज डालना है,
अनियन को अंटिल करना, मतलब जब ये बिल्कुल लाइट से ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन, तो उसको बाद में दूसरी चीज़ें डालनी है। इसके अंदर हमने हल्का सा, थोड़ा सा पहले नमक डाल लेना है। उससे ये होगा, एक तो आपकी कोई भी डिश होगी, कोई भी हांडी पका रहे हैं, कोई भी चीज़ पका रहे हैं, हल्का सा नमक पहले डाल लेंगे तो आपकी कोई भी चीज़ नीचे नहीं लगेगी। ये आपके लिए हमेशा आप ट्रिक याद रखिएगा कि थोड़ी सी नमक डाल लें, बाकी नमक आप बाद में पूरा करें डिश में, लेकिन जब प्याज डालें उससे पहले उसके साथ ही थोड़ा सा नमक डाल दें तो आपकी कोई भी डिश नीचे नहीं लगेगी। ये हमारा प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो रहा है। अब हमने दूसरी चीज़ें डाल दी, अदरक ऐड करना है। अदरक के साथ आपने लहसुन ऐड करना है इसमें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये इसको आपने हल्का सा ब्राउन करना है। ये देखें आपके लहसुन जो है ये दानेदार बन गया। ये आपने ऐसी घर में आम डिश बनाई और उसके अंदर ये चीज़ ऐड करें, इंशाल्लाह ताला आपकी जो हर चीज़ का टेस्ट है वो अलग ही होगा। अब हमने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है। सब्ज़ मिर्च जो है वो आजकल आपको पता है कि काफ़ी कड़वी आ रही है इसलिए, लेकिन इनके जो सब्ज मसाले होती हैं उनको अपना एक अलग टेस्ट देते हैं किसी भी डिश के अंदर, उनको डालना ज़रूरी होता है। ये देखो मतलब लुक जो है वो आपकी डिश की अभी है और टेस्ट जो खुशबू आ रही है वो आपकी कमाल ही होगी। आपने हल्का सा टमाटर को अब वो गलने देना, जब टमाटर थोड़ा सा गलने लगे तो आपने इसके अंदर आलू डाल देना। ये हसबे ज़रूरत जो है ना, हसबे जायका आपकी, इसके अंदर नमक चला जाएगा, वो खुश्क मसाला जात होते हैं ना, वो आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालने, जो भी आपकी जायका हो उसके अंदर। आपने कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं यूज करने हैं, कोई कुछ नहीं करना, इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ जो है वो हर डिश से अलग बनेगी और सादा सी चीज़ बनेगी। तो ये आपके पोटैटो हैं जो आपने ट्राइंगल पर कटिंग की थी। ये आपके पोटैटो जो हैं, आलू जो हैं वो बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। इनको आलूओं को जितना आप भून सकते हैं ना, यहाँ पे भून लेना, आपके घर में जायका नहीं होता हांडी में तो वो ये यहाँ पे गलती करते हैं।
यहाँ पे भूना नहीं जाता उनको, यहाँ पे जितनी डिश को किसी भी कोई भी चीज़ आप पका रहे हैं यहाँ पे उसको भून लेंगे, जितना आप उसको भूनेंगे उतने आपके हांडी में जायका आ जाएगा। ये इसमें पानी डाल दिए, ये आप थोड़ा सा आलू गल जाएगा, फिर हम इसमें गोभी डालेंगे क्योंकि वो हमारी डिश को मिक्स नहीं हो जाएगी, बिल्कुल खड़ी खड़ी डिश होगी और मसाला डाला बहुत अच्छा बनेगा। ये हमारे डिश में ऑयल छोड़ दिया, ये मतलब कि ग्रेवी भी तैयार हो गई है और हमारी ये आलू भी तकरीबन जो है वो गल चुके हैं। जी अब इसमें हम करेंगे ऐड गोभी जो हमारे प्लांट में है। थोड़े बुना लिया और जो हमारे गोभी थी इसके साथ भी मसाला लग गया है और बिल्कुल डिश जो है ये देखें अभी भी पोटैटो का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज है, मतलब कि हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है। जी अभी ये देखेंगे हमारी गोभी भी तकरीबन बन गई है, अब हमें इसको बिल्कुल हल्का करके दम दे देना है। तो ये इसमें आपने पानी नहीं डालना, कोई और चीज़ नहीं ऐड करनी, बस ये चीज़ हमारी बिल्कुल ताज़ा चीज़ है और घर में बनाने के लिए हमें इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा तरीका है। आप बना के ट्राई करें, तैयार होती है तो हम आपको दिखाते हैं। और ये जो है अगर आप ट्राई करें अच्छे लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें लेके और बहुत कुछ लेके आपके साथ शेयर करेंगे। जी ये देखें 10 से 15 मिनट आपने 12 से 13 मिनट दम देना, 15 मिनट दम देना और ये देखें ये आपकी डिश तैयार हो गई हुई है। और ये देखें गोभी बिल्कुल वैसी की वैसी है, आपकी गोभी भी नहीं टूटी और आपकी डिश भी बिल्कुल रेडी हो गई है और ये गल भी गई है। ये देखिएगा ये मैं आपको काट के दिखाता हूँ, ये देखें बिल्कुल रुई की तरह गल गई है और ये आपकी बिल्कुल वैसी डिश रेडी की रेडी है। ये देखें ये आप डिश में डालें और गरम गरम रोटी के साथ ये खाएं, इंशाल्लाह ताला आप मेहमानों को भी पेश करेंगे तो ये बहुत जायकेदार चीज़ होगी।